कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। अंबाला से हैं नवनीत जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है आपका। सर मेरा क्वेश्चन मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए है। पहले भी मैंने कई बार उसके बारे में पूछा सर, उसका मोटापा ही कम नहीं होता है, तो हमने टेस्ट वगैरह भी सब कराया। पहले उसको थायराइड था, उसके 2-3 बार टेस्ट कराए हैं, जैसे कि उसमें थायराइड भी नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती सर, पर उसका मोटापा ना बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। अब की बार थोड़ी सी बस खून में कमी आई है, और वो आपके सारे नुस्खे लेती है, और हम घर पे जो भी नुस्खा यूज करते हैं ना सर, उससे सबको आराम है, लेकिन उसको मोटापे में बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है सर। और ऐसा होता है कि जब भी उसको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा हुआ है मोटापा, और वीकनेस भी उसको रहती है, कभी भी सर में दर्द हो जाता है, कभी भी बुखार हो जाता है, छींके लगना शुरू हो जाता है। उम्र कितनी है उनकी? उम्र है उनकी 39। ठीक है, एक ये पूछना था कि जो इम्यूनिटी की दवाई है ना आपकी, तो उसमें क्या थायराइड वगैरह की या मोटापे की कोई भी दवाई मिक्स करके ले सकते हैं? क्योंकि कई दवाइयां हो जाती हैं कि थायराइड की भी गोली लेती है वो, जैसे सुबह के टाइम खाली पेट जी, तो ये सब एक साथ ले सकते हैं सर? ठीक है, जरूर ले सकते हैं, इम्यूनिटी की दवाई भी ले सकते हैं। अच्छा देखिए, थायराइड भी दो किस्म के, तो अगर टेस्ट कराओ तो आ जाते हैं, और एक होता है खामोश थायराइड जो टेस्ट कराने में नहीं आता लेकिन मोटापा बढ़ता जाता है, तो उसके लिए डोज डबल करना पड़ता है ऐसे मरीज के लिए। जैसे मैं बताता हूँ, धनिया 300 ग्राम और मेथी 100 ग्राम और अलसी आंवला 100 ग्राम, मेथी धनिया आंवला अलसी। धनिया का जो तादाद है वो 300 ग्राम रखें, बाकी सबकी 100 ग्राम। तो इसको पाउडर बना लें और दो चुटकी नमक जैतून और दो चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें, और इन 2 गिलास पानी से ये नुस्खा सुबह और शाम खाएं, अपनी दवाएं भी खाते रहें, तब उनको असरअंदाज होगा ये नुस्खा। कुछ लोगों को डोज डबल चाहिए, खामोश थायराइड है उनको, और ये खामोश थायराइड हमारे टेस्ट में कभी आता नहीं है, लेकिन जो अलामतें हैं वो खामोश थायराइड की है जी।